इलीगल स्कैम फ्रॉड एमएलएम एंड लीगल व रजिस्टर्ड एमएलएम कंपनी के बीच फर्क पहचाने मात्र 5 मिनट में, क्योंकि अब तक न एक इलीगल फ्रॉड कंपनी में लाखों लोग फंस चुके हैं और सैकड़ों लोग पर डे फंस रहे हैं। जो एमएलएम कंपनीज लोगों का सपोर्ट की हैं, साथ दी हैं, बुरे सिचुएशन में उनके साथ खड़ी रही हैं और आज तक जो लोगों के हित में बराबर काम कर रही हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बहुत ही कम है। और जो कंपनीज पूरी तरीके से इनलीगल है, पिरामिड पर काम करती हैं और स्कैम तरीके से लोगों से पैसे कलेक्ट करती हैं, उनकी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग 2020-21 से लेकर अब तक बहुत तेज गई है। दैट मीन्स के ये रिस्पेक्ट उन अच्छी कंपनियों को नहीं मिल पा रहा है जिनको चाहिए। ये उस एमएलएम फ्रॉड स्कैम कंपनियों को मिल पा रहा है जो इसके आड़ में अपने आप को प्रमोट कर रही हैं। जो कंपनी संकट समय में, जैसे कि कोरोना काल में, लोगों को सबसे ज्यादा सहारा दिए हैं, रोजगार दिए हैं, जिस टाइम में सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने हाथ खड़े कर दिए और एम्प्लॉयर को लेने के बजाय निकालना शुरू कर दिए, और जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आज तक घटने का नाम नहीं ले रही है सिवाय बढ़ने के। और ऐसे सिचुएशन में एक प्लेटफॉर्म आगे आया जो लोगों को रोजगार दे रहा है और इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन कर रहा है। दैट मीन्स की एमएलएम इंडस्ट्रीज, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, और ये चीजें इस इंडस्ट्री ने प्रूव किया हुआ है। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके रूल्स में कुछ चेंजेस किए, कुछ अपडेट नए लाए, जिससे कि ये इंडस्ट्री आगे चलकर और भी बड़ी बन सके और मैक्सिमम लोगों को रोजगार दे सके। तो इसमें से जितनी भी एमएलएम कंपनी सही थी और उनका मोटिव था कि हमें सिर्फ एमएलएम से लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना है, उनके हित के लिए काम करना है, हमें सिर्फ अपनी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग नहीं बढ़ानी है, हमें उनके प्रॉब्लम का सलूशन भी देना है, और इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चल भी रही हैं। बट अब यहाँ पर क्या होता है, इसका नजायज फायदा उठाती हैं इनलीगल स्कैम और पिरामिड कंपनियां। लीगल वो अच्छी अच्छी कंपनियों के पीछे वो अपना काम करती हैं, जहां पर जरूरत पड़ती है उन्हें खुद को प्रूव करने की, वहां पर वो उन कंपनियों को सामने लाती हैं जो एमएलएम कंपनी सही है। दैट मीन्स की प्रॉब्लम इनका बट सॉल्यूशन कोई और दे रहा है। और इंडिया में मैक्सिमम कंपनी सिर्फ इनलीगल है जो कि अच्छी कंपनियों के पीछे अपना बिजनेस चला रही हैं, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक डिस्ट्रीब्यूटर आया और छोड़कर चला गया, क्योंकि इंडिया में जनसंख्या कमी तो है ही नहीं। मानता हूं कि बुरे वक्त में एमएलएम इंडस्ट्रीज लोगों का साथ दी है, बट यहां पर वो कंपनियां नहीं है जो लोगों के साथ स्कैम कर रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं, जिनका माइंडसेट सिर्फ ये है लूटो और भागो। मैं ऐसी कंपनियों की और ऐसे कंपनी के लीडर की कुछ हिंट देता हूं जिससे आप उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहले वो आपकी पढ़ाई छुड़वा देंगे। आपको आपके स्टडी छुड़वाने के बाद बोलेंगे हमारी कंपनी के साथ आप बराबर काम करो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे रिजेक्शन मिलेंगी और उसको बीट करके आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। दैट मीन्स की फुल्ली मोटिवेशन। नंबर दो, आप जो भी फुल टाइम जॉब करते हो वो बोलेंगे कि उसे पार्ट टाइम करो और उनके एमएलएम कंपनी के साथ आप फुल टाइम दो, और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब वो आपके जॉब को क्विट करने के लिए भी बोल देंगे, और यहाँ से आपके लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि आप न तो इधर के रहते हो और न ही उधर के रहते हो। नंबर थ्री, आपके फैमिली में बॉर्डर खड़ा कर देंगे। दैट मीन्स कि आपको वो ट्रेनिंग देंगे कि जिससे आप अपने फैमिली में कोई भी पर्सन हो, चाहे वो बड़े भाई हो, बड़े कजन हो, या खुद माता पिता ही क्यों ना हो, हर एक किसी के बारे में आपको बुरा बोलेंगे, जिसके लिए आप और जो आपके लिए सब कुछ हैं, जैसे कि माँ बाप। अगर माँ बाप आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एमएलएम कंपनी से ज्वाइन करने के लिए, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में माँ बाप भी गलत हो जाते हैं। किसी के भी माँ बाप ऐसे नहीं हैं जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसके विकास में बाधा बने। अब आप सोचो कि जो आपके रिलेटिव का नहीं हुआ, आपके रिलेशन का नहीं हुआ, आपके कजन का नहीं हुआ, आपके स्टडी को छुड़वा दिया, आपके जॉब को छुड़वा दिया, और यहाँ तक कि उस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए माँ बाप से पैसे मांगने के बाद अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो उस माँ बाप से लड़ना सिखा दिया, और आपको ये ट्रेनिंग दे रहा है कि आपके माँ बाप आपके विकास में, आपके सक्सेस में आपकी रुकावट बन रहे हैं। क्या वो अनजान आदमी जो आपसे 1-2 घंटे पहले मिला है या फिर 1-2 दिन पहले मिला है, वो कभी आपका होगा? खुद आपके जन्म देने वाले का नहीं हुआ, क्या वो व्यक्ति कभी आपका होगा? ना जी ना, सिर्फ आपके साथ इसलिए जुड़ रहा है या फिर आपको अपने साथ इसलिए जोड़ रहा है ताकि उसका बिजनेस चल सके, वो आपसे कुछ पैसे कमा सके। और ऐसे लोगों की वजह से ही आज एमएलएम इंडस्ट्री पूरी तरीके से खराब हो चुकी है।
स्कैम फ्रॉड की संख्या बहुत ज्यादा है और उसके अपेक्षा जो कंपनी सही तरीके से काम करती हैं, जो लीगल हैं, उनकी संख्या मात्र 1-2% है। और जहां पर आपको ऐसे लोग मिलते हैं, आप तुरंत समझ जाओ कि ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है और ये उस पिरामिड उस स्कैम का हिस्सा है जिसकी वजह से लीगल इंडस्ट्रीज आज बदनाम है। क्योंकि गाइस, अगर आपको सही लीडर मिलते हैं, सही कंपनी मिलती है, तो ऐसा करने के लिए आपको कभी भी नहीं बोलेंगे। सो आई होप गाइस आप उन सही और गलत के बीच में फर्क पहचाने, जिससे कि आप उस पिरामिड स्कैम और फ्रॉड का हिस्सा बनने से बचें। और गाइस, इस वीडियो को आप उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें आप उचित समझते हैं, जिससे कि वो सभी उस गलत का हिस्सा बनने से बच पाए। और एक इनलीगल फ्रॉड स्कैम और एक सही लीगल व अच्छी कंपनी के बीच फर्क पहचान पाए। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करें, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें, जिससे कि हमारे हर एक ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। सो गाइस, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।